हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको राजपूती कुर्ती के गले की कटिंग के बारे में बताऊंगी, वो भी एक साइज़ वालों के लिए नहीं, सभी साइज़ वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं पेपर पर कटिंग करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम उनके लिए कटिंग करेंगे जिनका साइज 40 से लगाकर 42 तक होता है। देखिए, जिनके चेस्ट का साइज 40 है और जिनकी लंबाई यानी कि लहंगे की जो लंबाई होती है वो प्लस 40 होती है, उनके लिए बता रही हूँ। तो चलिए, जिनके लहंगे की लंबाई जैसे होती है 40 या उससे ऊपर, तो हम गले की जो लंबाई लेते हैं वो लेते हैं 10 इंच। और चौड़ाई देखिए हम लेनी है, देखिए गले की लंबाई हम लेंगे 10 इंच। जिनके लहंगे की लंबाई 40 या उससे ज़्यादा होती है उनके लिए 10 इंच रखते हैं। और चौड़ाई हमें रखनी है 4.5 इंच, जिनका साइज 40 या उससे ऊपर होता है। इस तरह से हमें 4.5 पर निशान लगाना है। और नीचे की तरफ से अब देखिए हमें ऊपर की ओर 4 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है, इस तरफ भी 4 इंच पर। अब ऊपर की ओर हम गले की जो चौड़ाई है वो रखेंगे 2 इंच। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला जो निशान लगाया था उससे बीच वाले निशान से मिला देना है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। और अब बीच वाले निशान को नीचे से मिला देना है, नीचे वाले निशान से। अब हमें गले को गोलाई देनी है। देखिए, यहाँ ऊपर की ओर हमें लगभग आधा इंच, यहाँ पर आधा इंच गोलाई दे देनी है। इस तरीके से हल्का सा गोलाई में देना है। और इस तरफ हमें गोलाई देनी है लगभग 1.5 इंच पर या 1.25 इंच पर। ये उनके लिए है जिनका साइज प्लस 40 है और जिनकी लहंगे की लंबाई या 40 या उससे ऊपर होती है। अगर लहंगा ज़्यादा लंबा नहीं है यानी कि 40 या उससे कम है, तो आप गले की लंबाई जो है वो कम कर सकते हो। इस तरीके से हमें राउंड शेप में, देखिए यहाँ पर कोई भी कोना नहीं बनना चाहिए, एकदम गोल गला कटना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं गले की कटिंग। चलिए, अब एक और गला कटिंग करते हैं इसके ऊपर। अब उनके लिए जिनके चेस्ट का साइज 36 से लगाकर 38 हो और गले की हम इसमें लंबाई रखेंगे 9.5 इंच और चौड़ाई जो है वो रखनी है हमें 4.5 इंच, ठीक है। इसमें भी अगर लहंगे के हिसाब से हमें देख लेना है कि लहंगे की लंबाई 40 या उससे ज़्यादा हो, तो हम 10 इंच कर सकते हैं। सिर्फ लंबाई को ही ज़्यादा करना है, चौड़ाई इतनी रखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अधिकतर तो हम लंबाई गले की जो 9.5 इंच रखते हैं, ये 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा गला के कम कर लेंगे यानी कि 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब वही सेम तरीका है, नीचे से ऊपर की ओर 4 इंच पर निशान लगाना है। एक सीधी लाइन बना देनी है यहाँ पर और हल्का सा पॉइंट करना है। अब देखिए, गले की चौड़ाई हमें रखनी है 4.5 इंच। अब सीधी लाइन बना देनी है सेम पहले जैसे ही। अब हमें देनी है गले में गोलाई, तो देखिए यहाँ पर हमें गोलाई ज्यादा नहीं देनी है, हाफ इंच या उससे कम भी दे सकते हैं आप।
और यहाँ पर भी हमें गोलाई ज़्यादा नहीं देनी है, 1 इंच काफ़ी है। अब इन निशानों को मिलाते हुए और गोले दे देंगे गले को। ये देखिए गले की कटिंग 36 से लगाकर 38 इंच वालों के लिए। ये जो हमने गोलाई दी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम गले की कटिंग करेंगे जिनका साइज 32 या 33 से लगाकर 35 इंच के बीच हो, और गले की जो लंबाई रखेंगे 9.5 इंच और चौड़ाई हमें कम कर देनी है, वो रखनी है हमें 4 इंच। ठीक है, अब चलिए कटिंग करते हैं। इसी के ऊपर कटिंग बता रही हूँ मैं, लंबाई हमें रखनी है वही सेम 9.5 इंच, चौड़ाई को हमें कम कर देना है, वो करना है यहाँ से 4 इंच। तो चलिए वही सेम तरीका है, 4 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। ये बहुत ही इजी तरीका गला कटिंग करने का, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सीधी लाइन बनानी है, ऊपर से भी आप चाहो तो गले को थोड़ा सा कम चौड़ाई कर सकते हो हल्की सी। और अब यहां पर तो हमें 1/2 इंच गोलाई देनी ही है। यहां पर लगभग हमें 1.25 इंच चौड़ाई दे देनी है, या फिर 1/2 इंच ही दे सकते हो आप चाहो तो, वरना गला ज्यादा बड़ा भी नहीं करना हमें। अब ये राउंड शेप में गले की कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से गला कटिंग कर पाएंगे। चलिए अब सबसे स्मॉल साइज का गला कटिंग करेंगे, यानी कि जिनके साइज 28 से लगाकर 30 हो। लंबाई जो है हम रखेंगे 9 इंच और चौड़ाई जो है 4 इंच। लंबाई का मैंने पहले ही बताया है कि जिनका लहंगे की साइज 40 से ऊपर हो उनके लिए हम 10 इंच रखेंगे, बाकी हम 9 साढ़े 9 तक रख सकते हैं। नौ इंच पर निशान लगाया है, अब 4 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, गले की चौड़ाई करेंगे। देखिए गला की चौड़ाई वैसे 4 इंच ही है पहले से, तो हमें सिर्फ लंबाई में से यहां से कट कर लेना है और वापस से गोलाई दे देनी है। ऊपर से भी हमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी गोलाई दे देनी है और गले को थोड़ा चौड़ाई कम कर देनी है। इस तरीके से आप चाहो तो एक साइज चार्ट भी तैयार कर सकते हो ऑल साइज वालों के लिए, और आप बहुत ही आसानी से गले की कटिंग कर पाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।